हाँ जी, ये हमारी साहिवाल बच्चियाँ हैं। हाँ जी, साहिवाल की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? साहिवाल का ये मोस्टली कलर मिलता है हमको, थोड़ा बहुत डार्क कलर में मिल जाता है। इसका शेप वगैरह स्ट्रक्चर देखते हैं। साहिवाल का स्ट्रक्चर थोड़ा नीचे की तरफ होता है, जो स्ट्रक्चर होता है एचएफ का बिल्कुल खड़ा होता है, जिसका दूसरी पहचान होती है कि सुंडी होती है, जो नाभि, इसकी नाभि देखिए आप, जो साहिवाल होगी ओरिजिनल उसका नाभि इस तरह से मिलेगा, बीच में से उठा हुआ गोल, आगे से लेके पीछे टांगों से लेके आगे टांग के बीच में चमड़ी लटकती हुई मिलेगी। यू कैन सी ऑब्जर्व इट, द स्किन विल बी इन फॉल डाउन। एंड ये तीसरी बात, ये इसका गल कंबल देखने को मिलेगा आपको, जो गल कंबल होता है साहिवाल का, झालर जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत भारी होती है, किसी को बिल्कुल थोड़ी होती है, वो अलग अलग रूटीन के हिसाब से, अलग अलग जो इसका पेडिग्री है उसके हिसाब से देखा जाता है। और दूसरी तीसरी बात, ये साहिवाल होती है, ये बच्ची है अभी 18 महीने की, साहिवाल का हम काफ़ी बड़ा होता है, जैसे मेरा बुल का है, इस बुल की तरह होता है, ये थोड़ी सी क्रॉस की है, तो इसको हम क्रॉस बोल सकते हैं थोड़ा में इसमें, मगर बल्कि बाकी इसमें 99% साहिवाल के गुण इसमें आते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन सब कुछ साहिवाल का आता है। ये मेरा बुल है साहिवाल का 100% ओरिजिनल। इसका डिज़ाइन देखिए, इसका नाम गुड्डू है, इसकी माँ ने भी पिछले सेकेंड बार में 100 लीटर दूध दिया है, और ये भी ये 2 दांत बछड़ा हुआ है अभी तक। ये हमें इसकी डाइट वगैरह काफ़ी अच्छी मेंटेन करके रखना पड़ता है बुल को, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है, हम लोग किसान लोग क्या करते हैं, बुल पे ध्यान नहीं देते। अगर अपने पास अच्छी नस्ल का बुल है तो हम उससे अच्छी नस्ल की और हम आगे तैयार कर सकते हैं, जब तक अपने पास अच्छी नस्ल का बुल ही नहीं है तो हम उससे अच्छी नस्ल की तेज तैयार करेंगे। तो मेरे किसान